प्रतापगढ़ में डीएपी खाद घोटाले के आरोपी क्षेत्र महाप्रबंधक संजीव को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ थाना इलाके के आवास से क्षेत्रीय महाप्रबंधक संजीव को गिरफ्तार किया है और महाप्रबंधक को पुलिस ने प्रतापगढ़ पहुंचकर कोर्ट में पेश किया। इसके बाद संजीव को कोर्ट ने जेल भेज दिया गया है। वही क्षेत्रीय महाप्रबंधक पर 2,75,00,000 के डीएपी खाद के गबन का आरोप है। दरअसल 14 नवंबर 2021 को डीएम के आदेश पर 1,055 मेट्रिक टन डीएपी गबन का मामला नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। इससे भंडार नायक संतोष कुमार को नामजद किया गया था और विवेचना के दौरान पीडीएफ के तत्कालीन जिला प्रबंधक क्षेत्रीय महाप्रबंधक समेत 12 कर्मचारियों का घोटाले में नाम सामने आया। इससे पुलिस ने महाप्रबंधक संजीव, भंडार नायक संजीव, उर्वरक पटल, दिनेश मौर्य समेत 5 घोटालेबाजों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि अभी तक 7 घोटालेबाज फरार चल रहे हैं, उनकी तलाश पुलिस कर चुकी है। कार्य किया गया जिसमें वर्ष 2021 एवं 2022 में 2 मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसके क्रम में विवेचना करते हुए ये पाया गया कि 1,055 मेट्रिक टन डीएपी एवं 8,848 बोरी यूरिया इसका गबन और घोटाला किया गया था, जिसमें पूर्व में ही 4 अभियुक्तों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। विवेचना के क्रम में एक वांछित अभियुक्त को तत्कालीन क्षेत्रीय प्रबंधक को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। विवेचना जारी है, शीघ्र गतिशील विवेचना का पूर्णदोष के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। अभी इसमें और भी लोग आ सकते हैं शामिल हो सकते हैं जी? विवेचना के क्रम में जो भी आगे सत्यता होगी और विवेचना निस्तारण किया जाएगा।